इतना इतनी हेट और इतना लव एक साथ, ये कैसे मिक्सचर कैसे होता है? आई थिंक टू हो, थ्री हो या फोर हो, एक मेरा स्टेटमेंट हमेशा सही वही रहा है कि जब तक प्यार ना हुआ हेट नहीं है, और जब तक जहाँ हेट ना हुआ लव नहीं होता. सो आई थिंक एंड जब हेट स्टोरी फोर की बात आती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हेट लेवल एक ऊपर लेके जाए. एंड आई थिंक वी हैव डन दैट दिस टाइम एंड इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर मेनी पीपल एंड एक्चुअली एवरी वन टू सी कि जिस तरह से ये स्टोरी निकल के आई है, जिस तरह से गाने हैं, जिस तरह परफॉर्मेंस है, एंड ऑफकोर्स जिस तरह डायरेक्शन है. That's superb. Put up for the one and only Yamaha Fascino Miss Diva Miss Universe India 2015, Urvashi Rautela. Welcome, welcome, welcome. सबसे पहले आप ये बता दो, you know, फिटनेस की बात करें, कोरियोग्राफी की बात करें, एक्टिंग की बात करें, बहुत मेहनत करते हो आप. इतने सारे जो टाइटल्स हैं, इनका बोझ कैसे इन कंधों पे ऐसे संभाल लेते हो आप? Tell us. First of all, good afternoon, everyone. Thank you. Thanks to all the members of media for coming here. And bought the time and to my parents jinki genetics mujh pe aaye aur main aisi bani hu. Talking about this gorgeous song, itni gorgeousness kaise, how did this all happen? I think it's because of my director, first of all. Thank you so much. He's the best person to he made everything so easier, and Neha for giving you such a beautiful voice. I just love all your music, and the kind of voice you have is completely amazing. And then when we got to know about the song, Himesh sir as well, I don't know where he is, but जब भी गाना आया था हमारे पास, तो जैसे कि मैं मोर देन 10 डिफरेंट डांस फॉर्म्स करती हूँ, तो मैंने हमेशा से सोचा था कि कुछ डिफरेंट हम करें इस सॉन्ग में. एज वी ऑल नो, यानिस मार्शल जो बाहर ये कोरियोग्राफी करते हैं, पर्टिकुलर हील्स कोरियोग्राफी जिसे बोलते हैं हम, तो मैंने सोचा क्यों ना हम वो करें. तो इस तरीके से हम वो हील्स कोरियोग्राफी को पूरा कॉर्पोरेट करके हमने इस सॉन्ग में डाला है, और आई होप आपको पसंद आए कोरियोग्राफी. सब पूरे हमने इतने लॉन्ग लॉन्ग हील्स, 5 inches हील्स में कोरियोग्राफी की. इट्स नॉट दैट ईजी, बट इट्स लुकिंग वेरी एफर्टलेस. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. या फॉर मी इट इज़ एक्चुअली, सबसे पहले तो ये बात मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अमेजिंग सॉन्ग्स अभी तक मिलते हुए आए हैं. एंड द मोमेंट आई सॉ द वीडियो, मुझे विशाल ने दिखाया वीडियो आशिक बनाया का, और शायद मैं इतनी पागल शायद ही किसी वीडियो को देखकर हुई होंगी जो मैंने देखा. आई थिंक उर्वशी हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब. मतलब वो क्या लगी हैं, क्या डांस किया है, क्या डांस किया. आई थिंक एफर्टलेसली इतना इतना कमाल डांस किया. आई थिंक लोग बार बार बैक टू बैक देखने वाले हैं टी सीरीज के चैनल पर. आई वुड से दैट ये जो किरदार है एक सुपर मॉडल का है. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, डोमिनेटिंग, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी वल्नरेबल एज वेल, वेरी रियल. But it was a very complex character, exhausting for me, but not jaise aapne bola utna had, us had tak nahin, but it was the most difficult characters I've ever played, because supermodel ka ek character tha, fir uske baad D-glam bhi dikhaya gaya hai Tasha ko is puri film mein, so there are a lot of variations, but aisa kuch nahin hai. I think they in terms of character, yes, there can be a comparison of Priyanka Chopra or Kangana, because they were supermodels. I'm also playing a supermodel in it, but the storyline is completely different. It's hate story. This is a different, and that film was about a modeling industry. Ek modeling industry ke bare mein jo sachai hai wo dikhaya gaya tha fashion mein. So yeah, hate story 4 on fashion ka koi aas paas tak kuch ek jaisi bilkul nahi hai, kuch lena dena nahi hai.